गुजरात को भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम गुजरात और पाकिस्तान की जीडीपी, पॉपुलेशन और लिटरेसी रेट जैसे 15 से भी ज्यादा फैक्टर्स के आधार पर इन दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो हमारा यह वीडियो पूरा देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, अगर जीडीपी की बात करें तो गुजरात स्टेट की जीडीपी 230 बिलियन डॉलर्स है और जीडीपी के मामले में इंडिया में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पर है। वही पाकिस्तान की जीडीपी 309.68 बिलियन डॉलर्स है। बता दें, गुजरात का जीडीपी ग्रोथ रेट 13.3% है, वही पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट 5.7% है। अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो गुजरात की जीडीपी पर कैपिटा 3000 यूएस डॉलर्स है, वही पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा 1641 यूएस डॉलर्स है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुजरात के जीडीपी का मेन सोर्स 45% इंडस्ट्री, 36% सर्विसेज और 19% एग्रीकल्चर से आता है। वही पाकिस्तान के जीडीपी का मेन सोर्स 60.23% सर्विसेज, 20.91% इंडस्ट्री और 18.86% एग्रीकल्चर से आता है। एरिया की बात करें तो गुजरात स्टेट का एरिया 196,924 स्क्वायर किलोमीटर है, वही पाकिस्तान का एरिया 881,913 स्क्वायर किलोमीटर है। गांधीनगर गुजरात स्टेट की कैपिटल सिटी है और अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। वही इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल सिटी है और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की बात करें तो गुजरात की पॉपुलेशन 6.27 करोड़ है, वही पाकिस्तान की पॉपुलेशन 21 करोड़ के आसपास है और पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। दोस्तों, अगर रिलीजन की बात करें तो गुजरात में 88.57% हिंदू, 9.67% मुस्लिम्स, 0.96% जैन्स, 0.52% क्रिश्चियंस, 0.10% सिख, 0.08% बुद्धिस्ट और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। वही पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और इसीलिए 96.4% मुस्लिम्स, 1.5% हिंदू, 2% क्रिश्चियन, सिख और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ खाने पीने की बात करते हैं। गुजरात में आपको खमन ढोकला, ठेपला, फाफड़ा जलेबी, खांडवी, उंदियो, मुठिया, हांडवो, दाबेली, गुजराती कढ़ी, खीचू और गुजराती थाली खाने को मिल सकती है। वही पाकिस्तान में चिकन टिक्का, सीख कबाब, हलीम, हलवा पूरी, चिकन कढ़ाई, आलू गोश्त, निहारी, बीफ कोफ्ता, पाया, चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी, लस्सी और मीठी सेवैया खाने को मिल सकती है। दोस्तों, लैंग्वेजेस की बात करें तो गुजरात में गुजराती भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है और गुजराती यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। गुजरात में 85.97% गुजराती, 7.06% हिंदी, 1.96% सिंधी, 1.52% मराठी, 3.49% उर्दू और दूसरी लैंग्वेजेस बोली जाती है। वही पाकिस्तान में पंजाबी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन उर्दू और इंग्लिश पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पे 48% पंजाबी, 12% सिंधी, 10% सराइकी, 8% पश्तो, 8% उर्दू, 3% बलोची और 11% दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर फेमस व्यक्तियों के बारे में बात करें तो गुजरात से फादर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोरारजी देसाई, इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई, इंडिया के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, इंडिया के टॉप टाइकून्स
जैसे कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा, दिलीप सांघवी, गौतम अडानी, अजीम प्रेम जी और पालनजी मिश्री जैसी मशहूर हस्तियां गुजरात से ही है। वही पाकिस्तान से फादर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, ईदी फाउंडेशन के संस्थापक मोहम्मद सत्तार ईदी, पाकिस्तान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान के नौवे राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, पोएट और फिलोसोफर मोहम्मद इकबाल, पाकिस्तान के दसवें राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, फेमस क्रिकेटर और पाकिस्तान के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, गजल सिंगर अबिदा परवीन, भौतिक विज्ञानी अब्दुल सलाम, तीन बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे नवाज शरीफ, कव्वाल और गजल सिंगर नुसरत फतेह अली खान और उनके भांजे राहत फतेह अली खान, फेमस सिंगर आतिफ असलम, फेमस क्रिकेटर शाहिद आफरीदी और वसीम अकरम जैसी मशहूर हस्तियां पाकिस्तान से ही है। दोस्तों, लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो गुजरात का लिटरेसी रेट 80% है, वही पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 58% है। फर्टिलिटी रेट यानी कि एक औरत औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, तो बता दें गुजरात का फर्टिलिटी रेट 2.2 बर्थ पर वुमन है, वही पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट 3.35 बर्थ पर वुमन है। दोस्तों, अगर गुजरात के टॉप 10 लार्जेस्ट सिटीज की बात करें तो अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, गांधीनगर, गांधीधाम और नादिया जैसी सिटीज शामिल हैं। वही पाकिस्तान के टॉप 10 सिटीज में कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरानवाला, पेशावर, मुल्तान, हैदराबाद, इस्लामाबाद और क्वेटा जैसी सिटीज शामिल हैं। फेस्टिवल्स की बात करें तो गुजरात में नवरात्रि, रण उत्सव, श्यामलाल जी मेला, दिवाली, जन्माष्टमी और उत्तरायण बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं पाकिस्तान में ईद उल फितर, ईद उल अधा, शबे बारात और ईद ए मिलाद उन्ना भी शानदार तरीके से मनाया जाता है। दोस्तों, अगर पॉवर्टी रेट की बात करें तो गुजरात का पॉवर्टी रेट 16.63% है, वहीं पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट 29.5% है, यानी कि 29.5% पाकिस्तानी लोग गरीबी रेखा के नीचे है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो गुजरात में औसतन एक व्यक्ति 68.7 ईयर्स जीता है, वहीं पाकिस्तान में औसतन एक व्यक्ति 67.7 ईयर्स जीता है। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो गुजरात का HDI 0.667 है, वही पाकिस्तान का HDI 0.562 है। चलिए दोस्तों, अब आखिर में कुछ घूमने फिरने की बात करते हैं। गुजरात में आप रानी की वाव, गीर नेशनल पार्क, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द्वारकाधीश टेंपल, व्हाइट डेजर्ट, सोमनाथ टेंपल, साबरमती आश्रम, मरीन नेशनल पार्क, पलिताना जैन मंदिर, सन टेंपल, अक्षरधाम टेंपल, लक्ष्मी विलास पैलेस, सापुतारा और मांडवी जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हो। वही पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद, लाहौर फोर्ट, लाहौर म्यूजियम, फैजल मस्जिद, मजरे कैद, मीनारे पाकिस्तान, शालीमार गार्डन्स, PAF म्यूजियम, फ्रेरे हॉल, मोहनजोदारो, वजीर खान मस्जिद, मोहत्ता पैलेस, रावल लेक, लोकविरसा म्यूजियम और क्लिफ्टन बीच जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हो। दोस्तों, आपको क्या अच्छा लगा, गुजरात या फिर पाकिस्तान, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
अगर और भी किसी दो टॉपिक पे आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।